नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करना है। अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन फॉर्म भर दिया है तो आप अपने मोबाइल कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा, आपके आवेदन की स्थिति अभी पेंडिंग है अथवा अप्रूव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन स्थिति चेक करने के लिए हम सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जहां पर मेन मेन्यू में आपको और भी कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे अबाउट स्कीम, स्कीम के विषय में क्या है आप यहां से पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज का, जहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की भाषाओं को चेंज करके यहां पर अपने डैशबोर्ड या अन्य ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन की स्थिति चेक करना है तो यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाले ऑप्शन में जहाँ पर एप्लीकेशन या बेनिफिशियरी लॉगिन लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर वही वाला मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आवेदन में लगाया हुआ है अथवा वह नंबर जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं तो दिया हुआ कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर सबमिट किया है उस नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी यहां सबमिट करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन सबमिट डेट, किस तारीख में आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था, सब कुछ देख सकते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वह तीन स्टेप में दिखाई दे रही है। फर्स्ट स्टेप में आधार EKYC कंप्लीट है, सेकंड स्टेप में पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, थर्ड स्टेप में अभी रजिस्ट्रेशन अप्रूव और सर्टिफिकेट जनरेट होना बाकी है। तो दोस्तों यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन है उसकी स्थिति क्या है। जैसे ही यहां पर थर्ड वाला स्टेप जो कि अप्रूव वाला है वह कंप्लीट हो जाता है, अब आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और सर्टिफिकेट जनरेट होने के पश्चात आपको पिछली वीडियो में बताई गई विधि के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी और जिसके आधार पर आपको 5 दिन की ट्रेनिंग और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। इसके पश्चात आपको 1,00,000 रुपये की राशि मिलेगी लोन के रूप में 5% ब्याज दर पर और उसके पश्चात आपको सेकंड टर्म में 2,00,000 रुपये की राशि 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि आवेदन अप्रूव होने के पश्चात आपको क्या करना है। जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो यहां पर अप्रूव की लिस्ट चेक करें और चेक करने के पश्चात ही आप अपने ग्राम प्रधान से या नगर प्रधान से संपर्क करें और ट्रेनिंग के लिए आपका आवेदन सबमिट कर दें। दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। पीएम विश्वकर्मा योजना एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना।